कि जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर माछिल कुपवाड़ा में चार आतंकवादी ढेर। माछिल इलाके में मुठभेड़ में चार आतंकवादी ढेर और घटना स्थल से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर से, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर माछिल कुपवाड़ा में चार आतंकवादी ढेर हो गए हैं। माछिल इलाके में एक साथ मुठभेड़ में चार आतंकवादी ढेर हुए हैं। घटना स्थल से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं और पुलिस आगे की कार्रवाई में जांच में जुट गई है। बड़ी सफलता मिली है पुलिस प्रशासन को, जहां पर माछिल इलाके में मुठभेड़ में चार आतंकवादी ढेर हो गए हैं और उनके पास से गोला और बारूद भी बरामद किए गए हैं। पुलिस प्रशासन आगे की जांच शुरू कर दी है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजहर हुसैन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजहर, माछिल कुपवाड़ा में चार आतंकवादी ढेर हो गए हैं। माछिल इलाके में मुठभेड़ के दौरान चार आतंकवादी ढेर हो गए हैं। घटना स्थल से गोला और बारूद भी बरामद किए गए हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, ये नॉर्थ कश्मीर का कुपवाड़ा इलाका है, कुपवाड़ा का मिसल वाला इलाका है और ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक है। और इसी इलाके में आज सुबह जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली थी कि वहां पे कुछ मिलिटेंट्स की गतिविधि है और इस दौरान जो दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे चार मिलिटेंट, जो जिनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान से बताया जाता था, वो बॉर्डर करने की कोशिश कर रहे थे। इसी असना में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने जो है एक कार्रवाई करके इन चारों मिलिटेंट को वहां पे खला कर दिया गया है और इस पूरे इलाके को जो है कॉर्डन ऑफ किया गया है। आपको बता दूं कि इसी हफ्ते के पहले स्टार्ट में ही चार मिलिटेंट को वहां पे हलाक कर दिया गया था और बाद में इस इलाके को पूरी तरीके से सील ऑफ और कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। आज सुबह की ये बड़ी घटना थी और जुम्मा की सुबह की ये घटना है और कपवारा इलाका जो मिसल इलाके से है और इस जंगल का नाम जो है काला जंगल के नाम से जाना जाता है और इसी जंगल से जो है दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे चार मिलिटेंट और इनका जो सिक्योरिटी फोर्सेस को खदशा हुआ कि वहां पे कुछ मिलिटेंट है और सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस ने मिलकर वहां पे अभियान चलाया और इन चार मिलिटेंट को वहां पे हलाक कर दिया गया। और पुलिस जोन के ट्वीट के मुताबिक जो चारों मिलिटेंट है इनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान से है, फॉरनर, चारों मिलिटेंट जो है फॉरनर है। फिलहाल इस इलाके को पूरी तरीके से सील करके सर्च ऑपरेशन जारी है। दिव्या, अजहर, अभी वहां पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए, जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि इस लगातार पिछले 15 दिनों से इस इलाके की पूरी तरीके से निगरानी की जा रही है, क्योंकि आपको मैं अगर आप पूरी घाटी की बात कराऊंगा, जम्मू कश्मीर की बात कराऊँ, एक तरीके से आज दिन का जो दौरा है, जो गृह मंत्री का दो दिन दौरा है, पहले वो जम्मू जाएंगे, फिर उसके बाद में वो श्रीनगर में उनका समारोह है और कई सारे प्रोजेक्ट्स का वो इफ्तिताह करेंगे और इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा भी स्टार्ट हो रही है। इस अमरनाथ स्टार्ट होने से पहले जिस तरीके से सिक्योरिटी के काफी रिव्यू मीटिंग ली गई और इसी रिव्यू मीटिंग के हवाले से जो बॉर्डर बीएसएफ है या और सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनकी अलर्टनेस की वजह से जो है काफी कुछ दिखाई दे रहा है और लगातार हमने पिछले 15 दिनों से देख रहा है कि एलओसी के नजदीक जिस तरीके से दरअंदाजी की कोशिश कर रहे हैं और इसी दरअंदाजी की कोशिश करने में जो आज सुबह की जो ये घटना पेश आई है और इस घटना में जो है चार मिलिटेंट जो है हलाक किए गए हैं। दिव्या, अजहर, पुलिस प्रशासन आगे की जांच में जुट गई है, आगे की जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आ सकती है? देखिए, फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि अभी इनकाउंटर पेश आया और इनकाउंटर के बाद में जो तरीके से सामने जो रिपोर्ट्स आए पुलिस के मुताबिक, जो उन्होंने ट्वीट करके भी बताया कि चार मिलिटेंट हलाक हो गए हैं और इनके तहवील में काफी मात्रा में जो है एमिनेशन भी रिकवर किया गया है और साथ ही साथ इस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है और ये दोपहर तक ये सर्च ऑपरेशन चलने की आशंका है और इस सर्च ऑपरेशन के खत्म होने के बाद ही पुलिस जो है फाइनल रिपोर्ट पेश करेगी और ये भी आशंका जताई जा रही है पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा एक मिलजुल के जो है एक प्रेस वार्ता भी होगी और उस प्रेस वार्ता में जो सामने आएगा और वही फिर ऑफिशियली जो होगा उनका रिपोर्ट वो पेश होगा। अजहर, खबर ये भी सामने आ रही है कि घटना स्थल से हथियार, गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। देखिए दिव्या, मैंने जिस तरीके से मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इनकाउंटर अभी अंडर वे ही है, सर्च ऑपरेशन जारी है। हाँ, पुलिस की तरफ से इतना तय है कि काफी सारा जो एमिनेशन है वो भी रिकवर किया गया है और इसके साथ ही अभी इसकी कितनी संख्या है, कितनी मात्रा है एमिनेशन की, ये कहना कबलस वक्त होगा क्योंकि ऑफिशियली तरीके से अभी कुछ सामने नहीं आ रहा है क्योंकि अंडर गोइंग ये ऑपरेशन है।
ये ऑपरेशन जब खत्म होगी, जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि एक प्रेस वार्ता होगी और प्रेस वार्ता में जो कुछ सामने आएगा वो फिर मीडिया के सामने रखा जाएगा, यानी कि हमें प्रेस वार्ता का इंतजार करना चाहिए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे।